कसरावद नगर में राष्ट्र वंदन फाउंडेशन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। एक दिवसीय दौरे पर निकले कृषि मंत्री कमल पटेल भी क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुझे आज अपने बचपन एवं कॉलेज के दिन याद आ गए। क्रिकेट खेल एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीवन में कोई खेल नहीं है तो जीवन का कोई रस नहीं। युवाओं को संदेश देते हुए बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेना चाहिए और अपने जिला एवं शहर का नाम रोशन करना चाहिए। एवं मां नर्मदा कप के आयोजनकर्ता जितेंद्र आर्य को भी बधाई दी जो ऐसे खेलों में रुचि ले रहे हैं। कसरावद में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र गुरु की स्मृति में स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी इस प्रतियोगी टूर्नामेंट में शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि कसरावद विधानसभा मुख्यालय में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार किया जा रहा है। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस मां नर्मदा कप रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन में हमारे अतिथि के रूप में आज जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कमल पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे जिले के गांव की टीम है, शहर की टीम है, बाहर की कोई नहीं है, लगभग 150। इससे स्पष्ट है कि क्रिकेट के प्रति लोगों का, युवाओं का कितना उत्साह, उमंग और टीम। हर गांव में एक एक दो दो टीम। जिस व्यक्ति के अंदर खेल भावना है, खेलता कोई भी खेल खेले तो उसके जीवन में आनंद आता है, रस रहता है, उत्साह उमंग रहता है, स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ व्यक्ति ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो सकता है। गजानंद जी सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों, अगर जीवन में खेल नहीं है तो जीवन में कोई रस नहीं है। स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। राष्ट्रमंडल फाउंडेशन के तत्वाधान में मां नर्मदा कप टूर्नामेंट भाई सुरेंद्र गुरु के नर्मदा मां नर्मदा कप टूर्नामेंट कराते हैं, जिसमें कसरावद विधानसभा क्षेत्र की 150 टीम भाग ले रही है और 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे आके आज अपना बचपन, अपने कॉलेज स्कूल के समय की याद आ गई। और देखिए, खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीवन में खेल नहीं है तो जीवन में कोई रस नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, टीम भावना से काम करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए खेल होते हैं। और खेल से कभी व्यक्ति निराश नहीं होता जो खिलाड़ी होता है। वो असंभव को भी संभव कर देता है, उसके जीवन में कोई नामुमकिन चीज नहीं होती है। और हमेशा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और इसलिए खेल होने चाहिए। कोरोना के कारण 2 साल खेल के मैदान पर बच्चे हमारे नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश और देश में खेलो इंडिया का भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का, प्रधान सांसद का, और मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। इसलिए मैंने हरदा में 2 साल पहले 25 दिसंबर अटल जी की जयंती से विवेकानंद जयंती तक 19 दिन 29 प्रकार के खेल, जिसमें मलखम, खो खो, कबड्डी और स्कूल से लेकर 3-4 कैटेगरी से उसमें कराए, जिसमें 950 पुरस्कार दिए, 5,500 बच्चों ने भाग लिया और एक बहुत आनंद आता है। उससे बच्चे हमारी इस खेल के माध्यम से कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी गांव से निकलकर जिले स्तर पे आए, जिले से प्रदेश में जाए, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खरगोन का नाम, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दें। ऐसे खेलों से ही निकलता है। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छा कार्य किया, पुण्य का कार्य किया। और इससे खिलाड़ी निकले, जो दिखाई निकले कि उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को यही की देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करें, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें,
और स्वस्थ रहे और खूब खेले, खूब आगे बढ़े और अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के लिए जीना सीखे। पहले राष्ट्र राष्ट्र हम देश हमें देता है, सब कुछ हम भी लोग को देना सीखे। अपने अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीता है, लेकिन जो समाज और राष्ट्र के लिए जिए उसका जीवन सार्थक होता है, श्रेष्ठ होता है। सब समाज और देश के लिए जीकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करे, 21वीं सदी भारत की सदी बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने जीवन को सार्थक करें। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कमल की तरह खिलते रहे, कमल खिलाते रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।